नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं मेरठ की ओर, जहां टोल पर किसानों का कब्जा, पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठनों ने आज रुड़की रोड सिवाय टोल फ्री कर दिया। किसानों ने धमकी दी है कि आगामी 14 दिसंबर को देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। मेरठ से शहजाद शेख की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मेरा नाम संजय दुरालिया है। संजय भैया, आज आप ये टोल पे बैठे हैं, क्या कारण है, किस वजह से बैठे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि जो काला कानून सरकार ने बनाया है उसे वापसी लें। जो हमारे किसान 17 दिन से वहाँ यूपी गेट पर धरना देव बैठे हैं, दिल्ली को घेरने की तैयारी हमारी पूरी है। जो वहाँ का प्रशासन सरकार जो मान नहीं पा रही, उसके खिलाफ आज का आंदोलन। पूरे भारत में टोल फ्री है, 11 बजे से 3 बजे टोल फ्री है। इन्हें रोको। जो अगला कदम हमारा यह है कि 11 बजे 3 बजे टोल फ्री जाएगा, और जो नहीं मानेंगे ये प्रशासन कहता है कि गिरफ्तारी के लिए तैयार है हम। टोल 11 से 3 तक फ्री रहेगा। जो हमारे टिकैत साहब ने, जो हमारे किसानों ने, जो हमारी किसान कमेटी पूरी है, उसने कहा है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना है, धरना चलता रहेगा 3 बजे तक। व्यवस्था चौदह तारीख में 14 तारीख में हमारा धरना प्रदर्शन डीएम कार्यालय पर होगा। पूरे प्रदेश, पूरे भारत में जो भी जिलाधिकारी है उनके पास धरना रहेगा 14 तारीख में। ये तो नंबर देखो कोई बात। दूसरी बात, जो गन्ने का भुगतान, ब्याज, जो भी अत्याचार हमारे पास हो रहे हैं वो सरकार कर रही है सरकार हिटलर की। जो पहले अंग्रेज थे ना, उनके लिए करो, ये हिटलर है। ये अमित शाह और मोदी दोनों हिटलर बैठे, ये तो गिरफ्तारी कर ले हमारी सबकी, किसानों को जेल भेज दें या गोली मार दें, हटेंगे नहीं पीछे। किस चीज को लेकर चल रहा है और कब तक चलेगा? कृषि बिल को लेकर बैठे हुए हैं, हालांकि यातायात कोई बाधित नहीं है, धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे हैं। टोल इन्होंने फ्री कर रखा है? हाँ, टोल अभी फ्री है।